पर बात आ गई, एक मौत फिरौन को गारत कर दिया, करा कि नहीं करिया। बड़े बड़े दुश्मनों को अल्लाह ताला जब खत्म किया तो बड़ी ताकत से खत्म नहीं किया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से गारत करिया। मच्छर भी था वो भी लंगड़ा ताकत है, मुफस्सिरों की तहकीक देखो। सद्दात को उसकी बनाई हुई जन्नत के दरवाजे के पास घोड़े का एक पांव अंदर एक पांव बाहर, इस हालत में उसे बर्बाद किया। वो उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, बायजीद पर बात आ गई। सो याद है मंजे मोरा बयान पूरा याद रहता बाबा, मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है, मैं कार बस ये चलाता हूँ। सो फ्लाइट नहीं, फ्लाइट ही एक ऐसी चीज है जिसमें रिवर्स गियर नहीं कहते। उसके वास्ते एयरपोर्ट में बाप जब उन्हें जाती तो एक छोटी गाड़ी उसे ढकलती। समझ में आई बात है, मैं फ्लाइट नहीं मैं कार, टू व्हीलर। हमारी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है, आजकल टू व्हीलर में भी रिवर्स गियर आ रहा है। वो क्या कहते हैं, वो करंट की गाड़ी है नहीं, उसमें एक बटन दबा तो पीछे जा रही, ऊंची जा रही। बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। अशार पढ़कर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह ताला को जब मदद के लिए पुकारोगे अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेंगे। फिरौन मूसा को फॉलो करते हुए आया, रास्ता दरियाए नील में बना बनाया मिल गया, अहमक घुस गया, उसे नहीं समझ में आया ये रास्ता मेरा नहीं मूसा का है। किसी के रास्ते में जाओ नो को, तुम्हारा रास्ता है तो तुम्हें जाओ। उसे समझ में नहीं आया, उन्हें रास्ता देख ले को घुस गया, मूसा पार हो गए, फिरौन डूबता जा रहा है। अल्लाह बड़े रहीम और करीम है, पुकारे तो जरूर जवाब देते, उसे पुकारना। अब उन्हें मूसा को पुकारिया, अल्लाह ताला मूसा को हुक्म दे दिए पलट को नहीं देखना। कुछ अंबिया को अजाब के वक्त पलट कर देखने से मना किया अल्लाह ताला। कौम लूत का अजाब आया, हजरत लूत को भी वही हुक्म मिला। ये नबियों के जमाने में नबियों को हुक्म था, सो हमारे जमाने में हमें वो हुक्म को बाकी रख दल को, कब्रस्तान गुजा को, मैयत को दफना दल को, घर को आए तक पलट को देखना नहीं करते। क्या मरे स्वभाव को अजाब हो रहा है, चल रहा नहीं चल रहा हजरत दफना दल को, छोटे बच्चा को बुला लो, बेटा को बच्चे पहले देखो गुरु देखो अरे सब, फिर कब्रिस्तान के गेट के पास पावा धो लगाते हैं, क्योंकि तो कब्रिस्तान की मट्टी घर को आना नहीं कहते, आई तो उन्हें चुपके जाती नहीं कहते, किसी से भी बुला लो बुझा। अरे पागलो, कब्रिस्तान की मट्टी पाँव के जरिए से नहीं, हदीस में आता है जब खून के कतरे की शक्ल में अल्लाह ताला किसी माँ के पेट में बच्चे की इब्तिदा करते हैं तो उसी वक्त वहाँ की मिट्टी मिला देते हैं जहाँ इसकी खबर बनने वाली है। हमारे अंदर है वो मट्टी, मालूम नहीं है। अब जाको तो मैं बरस डाल को लगड़ो नो को, क्या लगड़े थे भी जाती नहीं वो, क्या लगड़े थे भी नहीं जाती वो, अपना ले ले कुछ जाती सो। मूसा को पुकारा, मूसा को पुकारा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पलट कर नहीं देखना। जब पूरा खत्म कर दिया तो अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अब पलट कर देखो, हमने तुम्हारे हमारे दुश्मन के साथ क्या मामला किया। अब मूसा पलट कर देखते हैं तो सूखे पत्ते की तरह पानी के तह में बहकर खुदाई दावा करने वाला दुश्मन जा रहा है। मूसा नबी हैं, अल्लाह के बाद बंदों का दर्द नबियों के सीनों में सबसे ज्यादा होता है, और मूसा के सीने में दर्द एक गुलाम और उम्मती होने की हैसियत से भी था, दूसरा यही तो था जो संदूक से निकाल कर महल में पाला था।
अब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पूरा बचपन याद आ गया, वो वक्त भी याद आ गया जब फिरौन के गोद में खेलते खेलते एक थप्पड़ लगाए थे दाढ़ी पकड़ को, वो थप्पड़ खाकर फिरौन को डाउट आया सो इन्हें थरंगा मूसा की के तो मार बच्चे की तरह नहीं था, है बच्चा लेकिन मार बड़े का है थप्पड़। हजरत मूसा को दर्द हुआ तो अल्लाह ताला की खिदमत में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह चाहतों का मालिक तू है, मर्जी का मालिक तू है, जिलाने वाला तू है, मारने वाला तू है, खादिरे मुतलक तू है, मुख्तारे कुल तू है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, बंदा हूँ, तेरी अता करदा नेमत से आरास्ता नबी हूँ, एक गुजारिश परवरदिगार। डूबते डूबते वो डर के मारे कह रहा था कि मूसा बचा लो, हम तुम पर तुम्हारे खुदा पर ईमान लेकर आ जाएंगे, एक चांस इतनी बड़ी ज़िंदगी में दिया, एक चांस अब भी दे देता। अल्लाह ने कहा कि मूसा हम सब गवारा करेंगे लेकिन हमारी गीरत के खिलाफ कोई काम हो तो हम कभी गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह से मूसा ने पूछा, इलाहल आलमी डूबते डूबते ये कौन सा काम किया, खुदाई दावा किया, आपको उतना गुस्सा नहीं आया, अब कौन सा गुस्सा आया? अल्लाह ने कहा कि मूसा वो डूबते डूबते तुमको 70 मर्तबा पुकारा, अगर एक मर्तबा मुझे पुकारता तो मैं बचा लेता। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे बंदे हमको छोड़कर किसी और को पुकारे, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे बंदे हमको छोड़कर किसी और को पुकारे। अल्लाह खुश हो जाते हैं जब बंदा उसे पुकारता है, वली पुकारता है तो खुश जितना होते हैं, उससे ज़्यादा गुनहगार पुकारता है तो खुश हो जाते हैं। गर्ज बात लंबी हो गई, अर्ज कर रहा था मेरे